वेलकम बैक एंड अदर रिएक्शन वीडियो। उस्मान भाई आज का जो वीडियो है ना, आपको पता ही होगा कि लाहौर में, पंजाब में और सिंध में बहुत से इलाकों में और शहरों में, बड़े बड़े शहरों में एक बहुत बड़ा ग्रो आया हुआ है बच्चे अगवा करने वाला। तो आपके सामने भी कुछ वीडियोस हम लेके आ रहे हैं कि इतनी शॉकिंग, मतलब किस तरह बच्चे अगवा कर रहे हैं यार। हल्का सा वो उसको रुमाल सुंघाते हैं तो उसको रिक्शा फौरन आ जाता है और ले जाते हैं, कभी किस तरह तो कभी किस तरह। आपसे सर कुछ शेयर करते हैं वीडियोस, तो सर वो भी ऑन करते हैं जी। शुरू बच्चा फट के थले लिया मकसद कितना पौड़ियां चढ़ा मेरा। मैं इतनी देर इस कुड़ी नू हाथ नहीं लाया बुड्ढी नू, जिन्नी देर इन्हें कोई कारवाई नहीं पाई। तू इन्हें पीछे रहा, इन्हें नहीं पता कि कोई आया। मैं क्या जिन्नी देर है उत्ते जाएगी फिर ही मैं इन्हें पकड़ा। बच्चे नु होश दवाओ ना, फिर उठ के दस उठ के दस मेरी दादी है मैं लाई यार। ते पानी पाओ, पानी पाओ मेरे पिछे पै ने मैं अपनी गली बन गया वा पिछो दी आए ने मेरे मेरे पिछो दी मेनू कोई सुघा की कोशिश की। मैं अपना एक को नहीं मारी, एक नु वटा मारे, एक ने मेरे थले धक्का दिता मुक्का मारे मेनू। मैं फिर एक वटा मार के ना तो एक ने मास्क पाया सी, एक ओची सी जिहड़े ओची सी ओ पतला सी ते थोड़ा लंबा सी काट दूंगा। मैं फिर उथों निकलने दी कोशिश की। लो जी ए बच्चा है साडा मंडी सुखेगी दा, ठीक है। कल एक बच्चे नाल वकूआ होया ते साडे इंतजामिया ने कोई जिहड़ा इहदे बारे राय अमल नहीं लिया, लिहाजा साडी अपनी सुखेगी दी आवाम नाल इह अपील है कि साडे बारे कुछ सोचिया जावे। अज कल साडे नाल होया, अज इस बच्चे नाल होया, साड़ी अपनी इंतजामिया नाले अपील है गरीबा। बच्चे अगवा करने वाला शख्स ये मेरे जिला से पकड़ा गया है। छोटी सी स्टोरी है सुनाता हूँ, जिस जगह बैठा हूँ यहाँ पर तीन बच्चे अगवा हुए थे और आगे स्टोरी सुनिए। वो बच्चे रिकवर हो चुके हैं माशाल्लाह से। इस लड़के ने वो अगवा किए थे और इसने बताया है कि मैं आगे 15,000 का बेचता था। तीन बच्चे अगवा हुए थे, रिकवर हो चुके हैं, हाई प्रोफाइल लोगों के बच्चे थे इसलिए रिकवर हो गए। पुलिस ने ऐसे काम किया, ये बता रहे कि 15,000 का बेचता हूँ आगे और जहाँ बेचता हूँ वो आगे बच्चों को काट के ऑर्गन्स बच्चों के जिस्म के हिस्से सेल करते हैं। ये सुन के तकरीबन मेरे ज़िला की हर आंख अश्कबार थी। न जाने कितने बच्चे गुम हो चुके हैं पिछले 6 महीने 5 महीने के अरसा में और रब जाने उन बच्चों के साथ क्या हुआ। वह हिस्से काट कर बेच दिए जाते हैं। इंसानी सो इससे बड़ा वाक़या हो नहीं सकता कि बच्चों को काट के उनके हिस्से बेचे जाते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह। आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो के साथ ट्वीट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आगे बात पहुँचे कि अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को खुद स्कूल छोड़ने जाएं, लेने जाएं और अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा एहतियात करें। आंखों से ओझल मत होने दें प्लीज़। मुंशी साहब ने रिपोर्ट बैठते उनसे कहे कि ये लड़की आपको जानती है, आप छोड़ के आए थे, आपको बताएंगे ये लड़की को छोड़ के आए थे हम लोग, फिर भी तो आपको यकीन आएगा। ये पिंडी बाईपास में राणा जुल्फकार है, वो भी हमारे रिश्तेदार है। इस वीडियो को वायरल करो भाई जान, इस वीडियो को वायरल करो, जितना चाहे हर किसी का जो बच्चा है वो अपना है, ठीक है। इस वीडियो को वायरल करो, ये लंबर है गाड़ी के ऊपर, ये गाड़ी के ऊपर लंबर है, ठीक है। ये अपना बच्चा है भाई, हर किसी का जो भी है, ठीक है, अपना समझो इसको।
हाई अलर्ट वार्निंग शहर लाहौर गुजरांवाला गुजरात सियालकोट जेलम से रावलपिंडी और गिरदोनवा वाले अपने घर दफ्तर सड़कों और बाजारों में ज़्यादा मुहतात रहें। अंदरून सिंध से बहुत से सख्त गिर जराइम पेशा डाकू गैंग अंदरून सिंध में सैलाब की वजह से पंजाब में दाखिल होकर आबाद हो चुके हैं। ये मर्द भारी हथियारों से लैस खतरनाक हैं और इनकी खवातीन साथी भी हैं और इनमें से ज़्यादातर मुसल्ला डाकू खतरनाक अगवाकार और कातिल हैं। ख़ास तौर पर रात के वक्त गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें और अलग थलग रास्ते और खाली सड़कें ना लें। अपने घरों के दरवाजे लॉक रखें। बाहर गेट पर आए हुए किसी भी शख्स के लिए इस वक्त तक गेट ना खोलें जब तक इसकी शिनाख्त ना हो जाए। मांगने वालों को अपने गेट से दूर रहने की हिदायत करें क्योंकि दर्जनों घरों में चोरी की वारदातें हो चुकी हैं और हो रही हैं। बराए मेहरबानी इजाफी नकदी महंगे सेलफोन साथ ना रखें और जेवरात भी ना पहने। बराए करम ड्राइविंग के दौरान या पार्किंग मोड में अपने इर्द गिर्द के माहौल से होशियार रहें। बराए करम याद रखें ये सख्त अंदरून सिंध डाकू गैंग्स हैं, बेरहम होते हैं और मर्दों औरतों या बच्चों को अगवा करने या गोली मारने से भी गुरेज नहीं करते। खुदा के लिए अपने बच्चों को नौकरों के साथ दोस्तों के घरों मॉल्स बाज़ारों या स्कूलों में तनहा ना भेजें। वालदैन और सरपरस्तों को हर वक्त साथ देना चाहिए। आपको अपना और अपने प्यारों का खुद ही ख्याल रखने की ज़रूरत है, लिहाजा बराए करम ज़्यादा से ज़्यादा मुहतात और चौकस रहें। बराए मेहरबानी हमारे इस पैगाम को अपने तमाम दोस्तों अजीज़ रिश्तेदारों और बहनों भाइयों के साथ जो भी आपके रबते में हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें। वस्सलाम। ये थी जी वीडियो जो कि आपने देखे कौन है ये गैंग और ये इतना भरा रैकेट जो चल रहा है। समझ से बाहर है कि बच्चे जागा रहे हैं भाई, बच्चे जागा रहे हैं और ऐसे ऐसे लापरवाह माँ बाप, ऐसे लापरवाह पेरेंट्स के यार जो अपने वो मतलब ना भला क्या सीन है माँ बाप का, माँ बाप फिर माँ बाप पछताए ना, माँ बाप रोए ना कि जी हमारा बच्चा अगवा हो गया। और पाकिस्तान में बच्चा अगवा हुआ नहीं मिलता भाई, नहीं मिलता। मैंने आज एक वीडियो देखी है, ठीक है, ये जो जो वीडियो दिखाई ना आपको इससे मुख्तलिफ एक वीडियो देखी है, वो बंदा बाहर बैठा हुआ है, ठीक है, उसने वीडियो बनाई और वो बंदा रो पर है, वो कहता है यार पाकिस्तान में कैसे माँ बाप है, कैसे पेरेंट्स हैं है। जो अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रहे, जो हद होगी यार। और ये बहुत ही आसान है बच्चों को किडनैप करना, बहुत ही आसान है। और जो ये गैंग पूरे लाहौर में फैला हुआ है, पूरे लाहौर में मुख्तलिफ शहरों की आप बात छोड़ो, पूरे लाहौर में फैला हुआ है। और लाहौर में कई न्यूज चैनल्स वालों ने और न्यूज चैनल वालों को छोड़ो, अवाम ने पकड़ा है, अवाम ने पकड़ा है और पुलिस के हवाले किया है। और पुलिस से बंदा पूछे कि यार आप लोग क्या कर रहे हैं यार, ये लोग घुसे कहाँ से, आए कहाँ से यार, ये खत्म करवाएं, मेहरबानी करके ये खत्म करवाएं। पहले ये रैकेट जो ना, ये जो ये बच्चे उठाने वाला गैंग आया हुआ, ये डेंगू से भी ज्यादा खतरनाक है, डेंगू से भी ज्यादा खतरनाक है ये। आपको बच्चा मिलना ही नहीं है और बच्चा वाकई नहीं मिलता, बच्चा वाकई नहीं मिलता, मिलना कहाँ है, बच्चा उसको काट देते हैं, उसको फेंक देते हैं, ऑर्गेन्स उसके सेल कर देते हैं, उनको साबत उनको ट्रंकों में मतलब शिपों के थ्रू उनको बाहर भेजा जाता है यार। 100 वीडियोस पड़ी हुई है यूट्यूब पे, 100 वीडियोस। तो भाई और ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं और अपील कर सकते हैं अपनी हुकूमत से, खुद भी हिफाजत करें और सबको भी अपने रिश्तेदारों को कहें। बिल्कुल यार, हमारे भरे भरे लोग जो हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं, जो अमीर तरीन लोग हैं, जो अलीट क्लास लोग हैं, उनके तो बच्चे सेफ हैं, अल्लाह पाक उनको सेफ रखे, मगर गरीबों के बच्चे ठीक है, उनकी अल्लाह हिफाजत करे, उनकी अल्लाह हिफाजत करे भाई। और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते, अपनी मदद आपके तहत अपने बच्चों का ध्यान रखें, स्कूल वगैरह हर जहां पे भी बच्चे जाते हैं उनके साथ खुद जाएं और गैर जरूरी जो है घर का दरवाजा मत खोलें, ना खोली रखें, ठीक है। आपके घर काम वाले आते हैं काम करने के लिए, उनसे भी ये कह दें कि जी घर का दरवाजा बिल्कुल भी ना खुले और अपना काम करो अंदर बैठ के, बस उन पर भी नजर रखें और उन पे भी नजर रखी जाए। और ट्रस्ट नहीं करना आपने किसी पे, अपने दोस्त यार पे, इवन अपने कजन पे
अपने कजन्स पे, अपने रिश्तेदारों पे आपने ट्रस्ट नहीं करना, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि ये रिश्तेदार जो है ना, ये गैंग से भी ज्यादा खतरनाक है। रिश्तेदार ये इस गैंग से भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए जी अपने आप को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, ठीक है, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर नहीं भी शेयर करनी तो मेहरबानी करके टिकटॉक पे या यूट्यूब पे ये बच्चे अगवा होने वाली वीडियोस देखें, शायद आप लोगों को नसीहत हो जाएगी। इसके साथ साथ हमें दें इजाजत, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और लाइक शेयर और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हमारी अपडेट आपको तक पहुंचती अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ साथ हमें दें इजाजत, अस्सलाम वालेकुम।